बहुत बहुत नमस्कार आप सभी दर्शकों को, जय श्री राधे। मेरी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और बहुत अच्छा लग रहा है आप मेरी वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं मुझे, बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी, मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा करिश्मा कौशिक के नाम से। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.pentacledesire.com, और इसके साथ ही साथ आप FB पेज पे भी जा सकते हैं कॉफ़ी कप विद करिश्मा। तो आज मैं आपको सभी को ये बताने के लिए आई हूँ कि मंथली प्रेडिक्शंस, मई की मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में, कैसा जाएगा आपका मई का महीना। बात करूँगी मैं आज 12 राशियों की कि क्या कुछ मई के महीने में आपको देखने को मिल सकता है, क्या कुछ अच्छी खबर आ सकती है, क्या कुछ शुभ हो सकता है आप लोगों के साथ। बात करेंगे हम 12 राशियों में से सबसे प्रथम राशि की, मेष की। मेष राशि के कार्ड्स अगर मैं देखती तो देखते हैं क्या कहते हैं मेष राशि वालों के कार्ड्स। आपके लिए कार्ड्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी आप लोगों को कि बहुत ही शुभ समय चल रहा है, जो गलतियाँ अगर आपसे हो चुकी हैं उसको सुधारने का बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। थोड़ी सी केयरलेसनेस आ सकती है, उस चीज़ को आप अपने अंदर से निकाल दीजिए। कहीं ना कहीं आप किसी काम को लेके केयरलेस हो सकते हो, उस चीज़ को आपको नहीं करना है ऐसा। और इसके साथ साथ थॉट्स जो आपके हैं थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं, थॉट्स आपको नेगेटिव नहीं रखने हैं, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। काम आपके नए बनने शुरू हो सकते हैं, जो काम आप सोच रहे थे करने की काफ़ी टाइम से, वो काम आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है इनकी शुरुआत करने का। बात करूंगी मैं अगली राशि की, टॉरेंस की बात करूंगी। टॉरस वालों के देखते हैं क्या कहते हैं मई के कार्ड्स। तो ट्रैवलिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं आप लोगों के, कहीं ना कहीं ट्रैवल करने का आपको शुभ समय है। इसके साथ साथ करियर में आपके एक अच्छी सी कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नहीं है तो अगर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत अच्छे थॉट्स आ सकते हैं कुछ करियर में नया करने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो चीज़ें आप बहुत टाइम से डिले करने वाले थे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं सफल हो सकती हैं। बोलना चाहूँगी आप सभी को, घूमने फिरने का बहुत शुभ समय है, घूमने फिरने ज़रूर जाइएगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये मंथ। बात करूँगी मैं जेमिनाइंस की, मिथुन राशि वालों के देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। देखते हैं मिथुन राशि वाले क्या कुछ होने वाला है मई में आपके साथ। थोड़ा सा पैसों के लिए बहुत अच्छा समय है, जितना अर्न करना चाहते हैं उतना अर्न करेंगे, बहुत शुभ समय है ये। जो टाइम पीरियड चल रहा है मनी अर्निंग का, बेसिकली मनी अर्निंग का बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी, अगर करियर को लेके आप इस वक्त केयरलेस होते हैं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पैसा खर्च बढ़ने के चांसेस है, तो खर्च जितना बढ़ेगा अर्निंग भी होगी उस हिसाब से, मगर कोशिश ये कीजिएगा कि पैसा थोड़ा सा रोक के चले। बात करते हैं हम अपनी चौथी राशि की, कर्क यानी कैंसर की। तो देखते हैं क्या कहते हैं कैंसर वालों के कार्ड्स। कैंसर थोड़ा सा ये मंथ आपके लिए एवरेज जा सकता है। मैं आपको ये कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं जो थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है कि कहीं वो नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव थॉट्स रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इस मंथ में आपके जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ रही होगी, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखे चलिए। जो चीज़ें बहुत अच्छे से बहुत समय से आपके लाइफ में चल रही होंगी, वो कहीं ना कहीं उसमें डाउनफॉल आने के चांसेस हैं, आप उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा कि कुछ ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से आपकी जो जीवन में कोई रुकावट आए। बड़ों की गाइडेंस लेने की बहुत ज़रूरत है, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेने की बहुत ज़रूरत है, उनकी रिस्पेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने माता पिता हैं तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी गाइडेंस लीजिए, या आप जिसको भी मानते हैं उसकी गाइडेंस ज़रूर लीजिए। बहुत समय जो है बहुत ही नाजुक है ये, तो आप थोड़ा सा इस वक्त ध्यान रख के चलिएगा। बात करते हैं हम अपने अगली राशि की, कैंसर के बाद बात करते हैं हम लियो की। देखते हैं क्या कहते हैं सिंह राशि वालों के कार्ड्स। तो सिंह राशि वालों के लिए मैं बताना चाहूँगी, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, बैलेंस करके चलिएगा पैसा,
कहीं ना कहीं गुस्सा आ सकता है, लोनलीनेस फील कर सकते हो गुस्से की वजह से, अग्रेसिवनेस हो सकती है, माइंड बैलेंसिंग की, मनी बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा इस मंथ आपको नीड है। अकेला कहीं ना कहीं फील करोगे, अकेलापन फील होगा आपको, तो उस चीज़ की आप टेंशन मत कीजिएगा। अभी है थोड़ा सा टाइम चल रहा है, क्योंकि शनि भी आपको पता ही है वक्री हुए हैं, तो थोड़ा सा ऐसा समय चल रहा है, बट ये ठीक हो जाएगा, परमानेंट कुछ भी नहीं होता। बात करते हैं हम आपकी अगली राशि की, विर्गो यानी कन्या। कन्या राशि वालों के देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं इस मंथ के, यानी मे मंथ के प्रेडिक्शंस कन्या राशि वालों की क्या कह रही है। थोड़े से एवरेज कार्ड्स आए हैं। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जो ठहराव आ गया था वो उसके लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा आपका। जो चीज़ें ठहराव में आ गई थी कहीं ना कहीं उसमें एक मूवमेंट आएगी, कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइफ पार्टनर से ही आपके रिश्ते होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि नेगेटिव हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उन चीज़ों में आपके एक सुधार आएगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि कुछ आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं कहीं ना कहीं, उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं छोड़ दीजिए, उनको ख़त्म होने दीजिए। मैं कहूँगी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको ग्रैब कीजिए। इसके साथ साथ मैं बताऊँगी जो कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके दिमाग के ऊपर कहीं ना कहीं जो एक हैवीनेस थी, जो एक नेगेटिविटी क्रिएट हो रही थी, उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, और इस मंथ में कहीं ना कहीं वो भी कंट्रोल होगी। जो आपका ईगोइस्टिकपन था वो कहीं ना कहीं इस मंथ कंट्रोल होगा, और उसकी वजह से आपके जो रिलेशनशिप्स चल रही थी जो किसी पार्टनर से या लाइफ पार्टनर से, कोई भी आपके फैमिली फ्रेंड हो या कुछ भी हो, उससे आपके रिलेशनशिप में भी मूवमेंट आएगी। बात करते हैं हम तुला राशि वालों की, लिब्रेंस की हम बात करते हैं, देखते हैं लिब्रेंस के क्या कहते हैं कार्ड। तो लिब्रेंस, इस मंथ जो आपके मन में चल रहा है कहीं ना कहीं वो नेगेटिव सिर्फ आपके मन में है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं से रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिल रहा तो वो चीज़ नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम नहीं बन रहे थे वो सिर्फ एक आपके दिमाग की एक, जैसे कहते हैं ना, उपज है, जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे। आप थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है अपने काम पे, तभी वो काम पूरे हो पाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी, वरना नहीं होगी। अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए उस चीज़ पे, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, अपने से बड़े बड़ों की गाइडेंस लीजिए। मैं हेल्थ के लिए बताना चाहूँगी, कहीं ना कहीं हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, ड्राइविंग केयरफुली कीजिएगा, एक्सीडेंट से बच के रहिएगा। इस मंथ आपके लिए ये मंथ शुभ रहे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। बात करते हैं हम स्कॉर्पियंस की, देखते हैं स्कॉर्पियंस के कार्ड क्या कहते हैं मे के। तो स्कॉर्पियंस आपके लिए ये मंथ अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, नहीं तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो गिरावट आ जाएगी। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बेकार में किसी से बोलना नहीं है, कुछ भी ओपिनियन आपको नहीं रखनी है, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें, यही रहेगा अच्छा आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं करियर में आपके कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम्स हैं। और रिलेशनशिप के लिए ये मंथ आपका बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप अपने पार्टनर पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ये महीना। बात करती हूँ मैं और सैजिटेरियस की, धनु राशि की बात करते हैं। स्कॉर्पियंस की मैं बात कर चुकी हूँ, तो देखते हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कहते हैं इस मंथ के। धनु राशि वाले, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको भूल जाइए, हर चीज़ भगवान पे नहीं छोड़ी जाती है, भगवान पे मत छोड़िए हर चीज़, अपने खुद एफर्ट्स डालिए। कहीं ना कहीं करियर में मुझे प्रॉब्लम लग रही है इस मंथ में, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं करियर में, मैं जितने एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ वो कहीं लग ही नहीं रहे हैं, मैं जितना भी करती जा रही हूँ या करता जा रहा हूँ वो हमें उतना पर्याप्त फल मिल ही नहीं रहा। बट ऐसा नहीं है, मिलेगा ज़रूर, आप थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा डालने की ज़रूरत है इस मंथ। और इसके साथ साथ आप बताना चाहूँगी रिलेशनशिप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये समय आपके रिलेशनशिप सुधारने के लिए बहुत अच्छा है। बात करते हैं हम अपनी अगली राशि की, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं हम, देखते हैं कैप्रिकॉर्न के कार्ड्स कैसे क्या कहते हैं मे के। तो थॉट्स मे बी नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप अपनों को हर्ट कर सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
मकर राशि वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ, इसके साथ साथ आप इमोशंस में बह के किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा। तेजी में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी, कहीं ना कहीं काम में रुकावट आ जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको तेज़ी में काम नहीं करना है। अगर तेज़ी में काम करेंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम आ सकती है, किसी को हर्ट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, तो उस चीज़ से आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ यानी एक्वेरियंस के कार्ड, देखते हैं क्या कहते हैं मे के एक्वेरियंस के कार्ड। थोड़ा सा एवरेज कार्ड्स हैं बट इतने भी एवरेज नहीं है, तो मैं आप लोगों को अराउंड 70% का मंथ देती हूँ, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है फाइनेंशियली। फाइनेंशियली किसी में फेथ मत कीजिएगा। जो लोग फॉरेन ट्रैवल्स के लिए जाना चाह रहे थे वो चीज़ हो सकती है, या आप बाहर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ थॉट्स में आपको थोड़ा सा अपने रूलिंग पावर लेके आनी चाहिए, आनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं लेके आएंगे, अगर आप नहीं दिमाग से सोचेंगे, अगर सिर्फ दिल से सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पैसों में नुकसान हो सकता है। करियर के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, घूमने फिरने जाइए, अपना इंजॉय कीजिए, बेटर रहेगा। इस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करने का ये शुभ समय नहीं है। बात करते हैं हम अंतिम राशि यानी पाइसिस की, मीन राशि वालों के, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो मीन राशि वाले जो है, जो महिलाएं मीन राशि वाली अगर फैमिली प्लानिंग की तरफ जाना चाहती हैं तो बहुत शुभ समय है, फैमिली प्लान कर सकती हैं। बेबी बॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं इस मंथ। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो लोग करियर से रिलेटेड, करियर ओरिएंटेड लोग हैं, वो अपने करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। जो जॉब करते हैं उनके लिए नई प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ बनती दिख रही हैं मुझे। इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स पहले थी उनको आप छोड़ के आगे स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं उनको छोड़ दीजिए, उन पर मत ध्यान दीजिए, उनका कोई अब महत्व नहीं है आपके ज़िंदगी में। तो थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, और फैमिली के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपको जो लोग करियर में अपना जॉब में देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जिनको प्रॉपर नहीं पता कि क्या चीज़ करें करियर को लेके अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी है स्टूडेंट्स जो हैं ट्वेल्थ क्लियर करके अब नई उसमें आएंगे, चीज़ों में अपनी नई फील्ड में आएंगे, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अपनी माता से गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा, अपनी मदर से, या कोई ऐसी महिला जो आपकी माँ समान हो उनसे गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा ये महीना बहुत ज़्यादा। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी प्रेडिक्शंस पसंद आई होंगी, और आप मेरी बाकी वीडियोस भी देखते रहिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मैं आपसे लूँगी इजाज़त, जय श्री राधे।